ये परम पूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज आश्रम है और यहाँ पे ही मैं मेरा वीडियो एंड करने वाला हूँ। बट इसके पहले जो टाइम लैप्स मैंने आपको बताया वो पतले गली वाला, वो ये रास्ते पे जाता है जो बेसिकली आप फेरी से उतरोगे तभी स्ट्रेट जाओगे तो जो हमारा रिसोर्ट है किन्नी रिसोर्ट वो आता है, और वहाँ से अगर लेफ्ट मार के ऊपर आओगे तो ये आश्रम आता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मंदिर भी अंदर, और अभी तो ये बंद है, ये 11:30-12 बजे तक खुलता है। यहाँ पे ही मैं मेरा वीडियो एंड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं वो आश्रम के पास ही वीडियो खत्म करने वाला हूँ, पर तभी आपको आश्रम दिखेगा नहीं, इसके लिए मैंने आपको पहले वाले क्लिप में आश्रम दिखा दिया था। अभी आपकी मर्जी, आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ। और हमारा जो रिसोर्ट था किन्नी, वो भी अच्छा है बट ठीक है, मतलब पूरा चीप रिसोर्ट है और वो सब है। और बाकी का जो एक्सपेंस है वो मैं आपको इसके बाद, जब भी मैं फेरी में जा रहा हूँ तो मैं वहाँ का एक टाइम लैप्स लिया मैंने, तो मैं उसके बाद आपको बताऊंगा बीच पे उतरने का। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स, एक्सपेंस में मैं यहाँ से एक्टिवा पे गया था गोरेगांव से मारवे बीच तक। ठीक है, वहाँ पे से बाद में मैंने फेरी ली, उसमें 10 रुपीज उन लोग ने मेरे एक्टिवा का लोडिंग चार्ज लिया और 15 रुपीज मेरे एक्टिवा की टिकट ली और 10 रुपीज मेरी, तो वहाँ पे 35 रुपीज हुआ। बाद में हम लोग गए वहाँ पे, बाद में अंदर तो वॉकेबल डिस्टेंस 800 मीटर है अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप चल के जाओगे तो एक्टिवा से आपको इतना लगेगा नहीं, 5-10 मिनट्स में पहुंच जाओगे। तो गाइस, जैसे ही आप लोग किन्नी रिसोर्ट पहुंचोगे वहाँ का रूम रेंट है, अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, और अगर आप अकेले जा रहे हो तो 1200 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप लोग ग्रुप में जा रहे हो तो आप लोग को 500 रुपीज पर हेड आएगा अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको बजट बता रहा हूँ। और वहाँ पे अगर खाने के साथ चाहिए तो आपको 800 रुपीज भरना पड़ेगा विद फूड है, और अगर सिर्फ आप 500 रुपीज भर रहे हो ग्रुप में तो 500 रुपीज में आपको स्विमिंग पूल और रूम मिलेगी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं मिलने वाला है वहाँ पे। वहाँ पे फ्रिज में बहुत सारे खाने की ईटेबल्स अवेलेबल है, पर उस सबके भी अलग अलग चार्ज है, तो ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस। वहाँ का स्टाफ, मैं अभी भी आपको बोल देता हूँ, वहाँ का स्टाफ थोड़ा रूड है बट ठीक है, लाइक मेरे को रूम का वीडियो लेना था बट उन्होंने अलाउड नहीं किया, उन्होंने बोला कि ऐसा तुम लोग रूम का वीडियो नहीं ले सकते, हम लोग का बहुत सारे इश्यूज चल रहे हो। ठीक है, होता रहता है, अभी उन लोग की भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उससे मेरे को कोई मैटर नहीं है, बट ओवरऑल अच्छी जगह है। अगर मेरे को 5 में से स्टार देना रहेगा तो मैं 3 दूंगा ये प्लेस को। और जो मनोरी आइलैंड है, जो पूरा मनोरी आइलैंड जहाँ का मैंने आपको टाइम लैप्स थोड़ा थोड़ा करके बाद में मैंने एक आश्रम का छोटा सा पार्ट बताया था, वो आश्रम के लिए आप फेरी से लेफ्ट मार के जाओगे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था,
मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, आश्रम किला फेरी से लेफ्ट मार के जाओगे, फेरी से उतरोगे ना वैसे स्ट्रेट जाओ, थोड़ा सा दो तीन स्टेप्स चलो, बाद में एक लेफ्ट आएगा, वो लेफ्ट मारो तो आप वहाँ पे ऊपर वो आश्रम के पास जाओगे, सीधा जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्ट है, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी देंगे। बट ट्रस्ट मी गाइस, थोड़ा वाइजली सिलेक्ट करना, क्योंकि उन लोग एक बार चेकआउट कर लोगे बाद में बहुत रूडली बिहेव करते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से तो वहाँ पे जाना वर्थ इट था, अगर आप फ्रेंड्स लोग जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। इनफैक्ट रिसोर्ट भी नहीं, आप वहाँ पे मनोरी आइलैंड भी घूम लो, बहुत मजा आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ मेरा, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपसे एक और बात कहनी है कि मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आ रहा है, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, और जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आ रहा है वो बहुत अलग आने वाला है, और वो बहुत नई जगह पे, जहाँ पे मेरे हिसाब से आज तक कोई व्लॉगर नहीं कह रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड।